हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर जीव जनन कैसे करता है, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका पार्ट जो है सो हम पहला वीडियो में कर चुके हैं, तो को वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिसके कारण जो है सो हम वीडियो छोटा छोटा करते हैं और पार्ट वन और पार्ट टू में वीडियो को कंप्लीट करते हैं चैप्टर वाइज। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करते हैं, जो आपको चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए और आपका एक भी नंबर छूट नहीं पाए एग्जाम से संबंधित। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज ही पूछेगा। तो हम आपको चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और ऑब्जेक्टिव और थ्योरी और न्यूमेरिकल भी। तो इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास से संबंधित और एग्जाम से संबंधित मोस्ट कंटेंट और जैसे फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने स्टेटस में लगाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है, इनमें से कौन तो जनन कितने प्रकार का होता है। तो लैंगिक जनन जो है सो दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें से कौन है जो लैंगिक जनन की विधि है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि रिवीजन और टेस्ट के तौर पर पढ़ेंगे। रिवीजन इज़ द बेस्ट, क्योंकि हम लोग बुक कर चुके हैं। अगर आप लोग बुक का भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट से आके चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इनमें से कोई नहीं है जो लैंगिक जनन की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। परागकोष के अंदर जो है सो परागकण बनते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, प से पराग और प से परागकोष। तो परागकण जो होता है वो परागकोष के अंदर बनते हैं, मानकर चलिए। ये हमारा किसी तरह का फूल है, यह इसी तरह का फूल है, यहाँ जो देखते हैं पीला पीला टाइप का, यही परागकण होता है और इसी को ही परागकोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, यानी कि अंडा जो होता है वो निषेचित कहाँ होता है, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फेलोपियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, फेलोपियन नलिका में होता है। अंडाणु निषेचित होता है जो है सो मादा का अंडा जो है सो फेलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ से जो है सो यानी कि फीमेल का मेल का जो स्पर्म जो वहाँ जाता है और दोनों को निषेचित होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो है सो निषेचित यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ईस्ट में। ईस्ट में जो है सो द्विखंडन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ईस्ट में जो है सो द्विखंडन की क्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट है परागकोष में पाए जाते हैं, परागकोष में क्या पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, परागकण। परागकोष में क्या कहा जाते हैं, तो परागकण पाया जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अपने आप में सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग और 2015 में फर्स्ट सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, बीजांड की जो दीवार है वह मोट पहले पतला होता है, उसके बाद मोटी हो जाती है, तो उसके बाद क्या बनाता है, फूल बनाता है, फल बनाता है या बीज बनाता है या भ्रूण बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बीज यानी कि सीड बनाता है। क्या बनाता है, तो सीड बनाता है। नेक्स्ट है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल को मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है या अंडाणु बनता है या शुक्राणु बनता है या वीर्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, जाइगोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर मतलब होता है पुरुष और मादा मतलब होता है महिला। तो नर युग्मक यानी कि मेल और फीमेल के मिलने से जो जाइगोट बनता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है से केवल पुरुषों जननांग में पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा भाग है जो केवल पुरुष के जननांग में यानी कि रिप्रोडक्शन अंग है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, जिसमें शुक्राणु यानी स्पर्म तैयार होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में कौन लिंग जनन संचारित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो जनन के संचार से रोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है सो जनन संचारित रोग नहीं है, बल्कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और गोनोरिया और सिफिलिस ये जो है सो जनन संचारित रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में यानी कि जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, तो एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। जब स्त्रियों के मासिक चक्र होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो एक परिपक्व अंडाणु यानी कि वह पूरा परिपक्व वह पूरा तैयार रहता है स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने में, तो वह अंडाणु किस दिन अंडाशय से अंडाणु जो है सो बाहर निकलता है स्पर्म से कंटेक्ट करने के लिए, कौन से वे दिन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 14वें दिन जो है सो वह बाहर निकलता है स्पर्म की इंतजार में। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है ईस्ट में, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण कब आ जाते हैं, स्त्रियों में यानी कि लड़कियों में जो है सो यानी कि फीमेल में यौवना आरंभ के लक्षण हैं क्या क्या लक्षण है। स्तंभों की वृद्धि, स्तनों की वृद्धि यानी कि छाती की वृद्धि यानी कि चेस्ट की वृद्धि, चेस्ट फीमेल का मेल का पार्ट हो जाता है, फीमेल का ब्रेस्ट कहते हैं, ब्रेस्ट की स्तनों की वृद्धि यानी कि स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभारना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी होगा, स्तनों की वृद्धि होता है कि ब्रेस्ट का, उसके बाद नितंबों का उभरना, उसके बाद रजोधर्म का प्रारंभ हो जाना, ये सभी जो है सो स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि विखंडन द्वारा जो है अमीबा में लैंगिक जनन होता है, अमीबा द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है, तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, ये सभी है, विखंडन, विखंडन, बीजाणु समासंध, एकल जीवों में प्रजनन की विधि जो है सो खंडन, विखंडन, बीजाणु समाधान, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। नेक्स्ट है कि नारी गुमक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ किस टाइप का पूछता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नारी गुमक में गुणसूत्र की संख्या, अगर संख्या पूछे तो वो 46 होना चाहिए, जबकि जोड़ा पूछे तब 23 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है 23, यानी कि जोड़ा में जो होगा वो कितना होगा तो 23 होगा, जबकि संख्या में पूछता है तो वो 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 46 है नहीं। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान देखिए दीजिएगा कि अगर संख्या में पूछे, अगर संख्या तो 46 होता है लेकिन 40 नहीं दिया रहा है, अगर 23 रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना क्वेश्चन गलत है, आप 23 टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या है, तो एकलिंगी पादप का उदाहरण है जिसमें एक लिंग ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 56 का तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पपीता। पपीता जो है सो एकलिंगी पादप का उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण है, तो एकलिंगी पादप होता है उसका उदाहरण है पपीता, इंग्लिश में पपाया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी बीजांड, अंडाशय के भीतर जो है सो बीजांड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि भ्रूणकोश अवस्थित रहता है, तो भ्रूणकोश अवस्थित कहाँ रहता है,
प्राकोष में, वृत्त में, या ब्रजांड में, या दलपुंज में? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, ब्रजांड में रहता है। भ्रूणकोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो ब्रजांड में रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परागकणों का प्राकोष से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागकणों को प्रकाश पराग कोष से निकलकर, परागकण जो है सो प्राकोष से निकलता है, तो परागकण कहाँ स्थित रहता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्राकोष में। और परागकण जो है सो प्राकोष से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं? मानकर चलिए कोई परागकण है, मान के चलिए यह जो है सो परागकण है, क्या यह परागकण है? और यहाँ पर जो है सो मान लीजिए एक कोई फूल है, और यहाँ से परागकण जो है सो पराग कोष से निकल कर यहाँ आता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह यानी कि इकट्ठा स्थान है? इनमें से कौन सा है जो शुक्राणुओं को एब्जॉर्ब करता है, एक जगह जमा करता है, और जहाँ शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर यानी कि एक्टिव होकर निषेचन योग्य बनता है, वह स्थान यानी कि जगह का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, अधिवेशन। अधिवेशन में जैसे शुक्राणु संग्रह स्थान है, संग्रह होता है, और शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता कहाँ? तो अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या है? तो बहुकोशिकीयों में होने वाले जीवों का मुकुलन का उदाहरण क्या है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रा। हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर है, जो बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा है। नेक्स्ट है कि बीजाणु जनन लैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो बीजाणु जनन लैंगिक जनन की मुख्य विधि किसका है? कवकों का, या हाइड्रा में, या स्पंज में, या ईस्ट में? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, कवकों में। बीजाणु जनन के अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो कवकों में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलस का निर्माण कहाँ होता है? कैलस का निर्माण कहाँ होता है? लैंगिक जनन में, या बीजाणु जनन में, या मुकुलन में, या उत्तक संवर्धन में? तो इसका राइट आंसर जो होगा 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, उत्तक संवर्धन में जैसे कैलस का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझने के बाद ही आंसर आपको सही ठीक होगा। तो क्वेश्चन को कहीं भी धड़पड़ा कर नहीं पड़े, ध्यान पूर्वक अच्छी से, एक बार में नहीं समझ में आए दो बार में समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझने के बाद मेरा बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, तो 110% जो है सो क्वेश्चन समझने के बाद आंसर अपने आप सॉल्यूशन निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कैलस का निर्माण उत्तक संवर्धन में होता है। नेक्स्ट करते हैं कि बाह्य दल एवं दल पुंज को क्या कहते हैं? एक होता है बाह्य दल, एक होता है दल पुंज, दोनों को क्या कहा जाता है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सहायक अंग कहते हैं। दोनों अगर मिलता है तो क्या करता है? मान के चले दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त मिलकर एक काम को करते हैं तो हेल्प करते हैं, इसको सहायक अंग कहते हैं। तो दोनों मिलकर क्या किए? तो सहायक हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? नर मतलब होता है मेल, तो मेल भाग यानी कि पुरुष भाग को क्या कहते हैं? पुष्प मतलब फ्लावर, तो फूल के नर भाग को क्या कहते हैं यानी कि पुरुष भाग को? तो 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। कैलिस, कैंड्रोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, में चार भाग होता है फूल का, जिसमें से पुमंग जो है सो फूल का नर भाग यानी कि मेल पार्ट है। नेक्स्ट है, पौधों में मादा भाग को कहते हैं, तो पौधा में मादा भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं पौधों के मादा भाग को। पौधा तो आप लोग समझ रहे होंगे, जिसकी इंग्लिश में प्लांट कहते हैं। तो पौधा को मादा यानी कि महिला पार्ट को क्या कहते हैं? महिला भाग को, तो जयांग कहते हैं फीमेल भाग को। नेक्स्ट है, द्विखंडन होता है किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशिया में, लिशमैनिया में, या इनमें से सभी में? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पैरामीशिया में, अमीबा में, लिशमैनिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, द्विखंडन।
नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव किस में है? जड़ में यानी कि रूट में, या तना यानी स्टेम में, पत्ती यानी लीफ में, या उपरोक्त सभी में यानी कि अल्प देम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, उपरोक्त सभी में। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है और पत्ती द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। अपस्थानिक कहने का मतलब है कि मानकर चलिए यहाँ जो है सो मान कर चलिए यह कान है, यहाँ से जो निकल जाता है थोड़ा थोड़ा कलियाँ, इसको क्या कहते हैं? तो इसको यानी कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है, कलियाँ जो निकल जाती है इसको क्या कहते हैं? तो 69 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आलू में होता है। तने पर अपस्थानिक कलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, आलू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि फीमेल पार्ट का जो है स्वतंत्र का सिस्टम का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? शुक्रवाहिका। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका, और यह किसका भाग है? तो मेल पार्ट का है, यानी कि नर जननांग का भाग है शुक्रवाहिका। अंडाशय यह मादा जननांग है, गर्भाशय कहाँ होगा? गर्भ में बच्चा पलता है तो कौन महिला पालती है? तो महिला में ही पाया जाएगा यानी कि मादा जननांग में। डिम्बवाहिनी भी मादा जननांग का भाग है और अंडाशय भी, और एक शुक्रवाहिका जो है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सो नर जननांग का भाग है। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी के सभी, क्योंकि किसी न किसी साल यह पूछा गया है, और किसी किसी तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये फर्स्ट सिटिंग दोनों में यह दोहराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तो 70 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी निम्न, क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन भवन का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए इज द राइट आंसर है, हाइड्रा। निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प का नर भाग कहलाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पुष्प का नर भाग, एक बार मादा पूछता है तो एक बार नर भाग पूछता है, यानी कि मेल पार्ट पूछता है। तो पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 72 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसका ए इज द करेक्ट आंसर है, पुंकेसर, जिसको पुमंग भी कहते हैं। तो आप लोग कुल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, फीडबैक देना नहीं भूलेगा। और अच्छा लगा तो एक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। इससे पता चलता है कि आपको एग्जाम से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड सही तरीके से कराया जा रहा है। और फ्री में नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए जो है हमारा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मास्टर बाई डी के कहीं भी सर्च कीजिए, वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और लाइव से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी हिचकिचाहट के आप कुछ भी समस्या को सोल्यूशन या सुझाव पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नांकित में कौन जो है मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी का, प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का, केचुआ। क्या है? तो केचुआ जो है सो एक उभयलिंगी है। नेक्स्ट है केचुआ किसको कहते हैं? चेरा को बोलते हैं, इसको किसानों का मित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, पपीता है। पपीता पुष्प यानी कि पपीता का फूल भी, जिसको पपाया इंग्लिश में कहते हैं, पपाया फ्लावर जो है सो एकलिंगी पुष्प है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में जोड़िए दोस्तों को, और इस चैनल के माध्यम से सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, तो लाइक कीजिए और फीडबैक देना ही नहीं भूलिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में
फटाक से टॉपिक जो लाइक को लाइक बटन तोड़ दीजिए लाइक करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आपको एक भी चैप्टर छूट नहीं पाएगा और मेरा प्रयास हमेशा से यही है, और एक भी क्वेश्चन जो आपको है सो छूटने नहीं पाएगा और एक भी नंबर आपको छूट नहीं पाएगा एग्जाम से संबंधित। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।